अब देखिए स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ देखना, देखिए पहले हल्का सा इंट्रोडक्शन देख लो। जो एसएपीएम है ना, एसएपीएम के अंदर टोटल 8 यूनिट्स हैं आपकी, बट 8 यूनिट्स को जो ब्रेक किया गया है टोटल 13 चैप्टर से, ठीक है। हाँ, बुक का नाम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। चलो अब सुनो, इधर देखो, इसमें जो फर्स्ट मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल और थर्ड मॉड्यूल है ना, ये थ्योरी है। इसमें से मान के चले स्टार्टिंग का जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बनता है ना, वो थ्योरी बनता है, बट यहाँ से फिफ्थ मॉड्यूल से लेके और 13 तक सारा प्रैक्टिकल है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अब सुनो सुनो, अब देखिए इसमें है ना, रिस्क एंड रिटर्न एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से कम 14 से 28 का जुगाड़ है। एक आपका चैप्टर नंबर 10 पोर्टफोलियो थ्योरी है, इसमें से क्वेश्चन बनता है, तो इंपॉर्टेंट है चैप्टर। बट अभी अपन स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा चैप्टर है, आज ही स्टार्ट करेंगे, आज ही खत्म करेंगे। और चैप्टर नंबर 6 मिलेगा आपको, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। चैप्टर नंबर 6 दिखाई देगा, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड बुक में दे दूंगा आपको। मिला आप लोग को? निकालो फटाफट निकालो। राइट द हेडिंग, राइट द नेम ऑफ द टॉपिक, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पहले बोल रहा हूँ मैं। और लास्ट ईयर के पेपर्स भी दिखाऊंगा, लास्ट ईयर के पेपर्स पे बॉन्ड वैल्यूएशन के क्वेश्चंस भी आए हुए। डालो हेडिंग, डालो राइट द चैप्टर नंबर 6, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। फटाफट लिख लो चैप्टर नंबर 6, बॉन्ड वैल्यूएशन मिलेगा आप लोग को, मिल गया। अब देखो एक हल्का सा बेसिक आइडिया देता हूँ, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। इजी है, समझ में आ जाएगा फटाफट। अब वो बेसिक आइडिया क्या है उसको देख लो एक बार हल्का सा। देखिए एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, फिर समझ में आएगा। आज अगर बैंक में जाके, प्लीज सुनते जाना, आज अपन बैंक में जाके एफडी कराते हैं तो आपको उसका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। आज मैंने कहा 1 लाख रुपए की मैंने एफडी करवा दी और 8% ब्याज पे करवाई, तो मेरे को 1 साल बाद मिलेगा 1,08,000 रुपए। तो पता है बॉन्ड इज नथिंग बट लाइक एन एफडी। बॉन्ड क्या है? एक तरीके से एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है आपका, मतलब आपका पैसा 100% सेफ रहेगा। बंद कर दो उसको, आपका पैसा 100% सेफ रहेगा और साथ के साथ उस पर क्या मिलेगा आपको? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनना ध्यान से। देखिए बॉन्ड में क्या होता है, कंपनीज अपने बॉन्ड इशू करती है, बट यहां पर जितने भी बॉन्ड इशू होते हैं ना, वो सारे बॉन्ड इशू होते हैं डिस्काउंट पे। कंपनी क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है, किस पे इशू करती है? अगर मान लो 1,000 रुपए का बॉन्ड है, ठीक है, और इसकी लाइफ है, इस बॉन्ड की लाइफ है 3 साल या मान लेते 5 साल, तो कंपनी वालों ने बोला ठीक है हम आपको ये बॉन्ड दे देते हैं 800 रुपए में। 1,000 रुपए का बॉन्ड कितने मिल गया? 800 में। और इंटरेस्ट रेट, अपन लोग इंटरेस्ट रेट बोलते हैं बट बॉन्ड में इसको बोलते हैं कूपन रेट, ब्याज। और ब्याज बोला गया 10%, 3 साल का लाइफ है, ब्याज बोला गया 10% मिलेगा आपको, और 1,000 रुपए का एक्चुअल फेस वैल्यू उसका 1,000 रुपए था, बट कंपनी ने कितने में दिया आपको? 800 रुपए में। अब आप टेंशन फ्री हो जाओ, आपका पैसा एफडी हो चुका है, 1,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं, 10% 1,000 रुपए का निकालो कितना होगा बोलो? 1,000 रुपए का 10% कितना होगा? 100 रुपए। 100 रुपए आपको फर्स्ट ईयर में कंपनी देगी ब्याज का, सेकंड ईयर में आपको फिर 100 रुपए मिलेंगे, थर्ड ईयर में फिर आपको 100 रुपए मिलेंगे, साथ के साथ थर्ड ईयर के एंड में 100 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और ऊपर से आपको 800 रुपए नहीं मिलेंगे, आपके 1,000 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। दैट इज एट अ बॉन्ड। आया समझ में? तो बॉन्ड आर ऑलवेज इशूड एट डिस्काउंट, किस पे इशू होते हैं? और रिडीम एट फेस वैल्यू, और रिडीम किस पे करते हैं अपन? फेस वैल्यू पे, और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो एक बिजनेसमैन एफडी की बजाय बॉन्ड में लगाना ज्यादा पसंद करेगा, क्यों? क्योंकि ब्याज तो ब्याज की जगह मिलेगा ही मिलेगा, और ऊपर से एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। सोचो कितने में खरीदा था? 800 रुपए में खरीदा था, 1,000 रुपए मिलके तो 200 एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर थोड़ा फायदा ज्यादा होता है। अब सुनो प्रॉब्लम क्या आती है, आज आप कोई बॉन्ड खरीदने जाते हो तो उसकी प्राइस तो पता होनी चाहिए, तो प्राइस जो होगी वो 1,000 रुपए से क्या होगी कम? 900 हो सकती है, 950 हो सकती है, 800 हो सकती है। तो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, मतलब वो जो बॉन्ड आप खरीदने जाओगे उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। व्हाट एवर द बॉन्ड यू आर परचेजिंग, व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट बॉन्ड। शुरू करते हैं भैया, डालो हेडिंग, डालो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड लिखो। लिख लिया। अब बॉन्ड वैल्यूएशन लिखने के बाद में सीधा फॉर्मूला लिख लो, मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, समझ में आएगा आपको। पहले एक फॉर्मूला लिख लो, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, सी इंटू पी वी आई एफ ए ब्रैकेट में आर कॉमा एन प्लस एम इंटू पी वी आई एफ आर कॉमा एन, लिख लो फटाफट लिख लो। राइट द फॉर्मूला फॉर वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, फुल फॉर्म अलग से लिखवा दूंगा मैं। पहले वाले में पी वी आई एफ ए है और दूसरे में पी वी आई एफ है, ए नहीं है। आर कॉमा एन लिखो ब्रैकेट में आगे, लिख लिया। चलो अब सुनो फटाफट फुल फॉर्म लिख लो, सब समझाऊंगा होता है क्या, पहले लिखते जाओ। पी का फुल फॉर्म लिखो प्राइस ऑफ बॉन्ड, राइट द फुल फॉर्म ऑफ पी प्राइस ऑफ बॉन्ड। सी का फुल फॉर्म लिखो कूपन रेट, ऑब्लिक करके लिखो इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट ऑब्लिक करके इंटरेस्ट रेट लिखा।
अब ब्रैकेट में लिख लो इन रुपीस, ध्यान रखना भैया ये हमेशा रुपए में कन्वर्ट होके आएगा, सी जो आएगा हमेशा किस में कन्वर्ट करेंगे, रुपए में। आर, आर का फुल फॉर्म लिख लें यील्ड, वाई आई ई एल डी यील्ड, ऑब्लिक करके सेकंड वर्ड लिखो रिटर्न, वाई का फुल फॉर्म लिखो यील्ड, ऑब्लिक करके सेकंड वर्ड लिख लो रिटर्न, लिखा एन, एन का फुल फॉर्म लिखो नंबर ऑफ इयर्स, एन का फुल फॉर्म लिख ले नंबर ऑफ इयर्स, लिख लिया हो गया एन, एन के बाद में एक वर्ड और लिख लो एम, एम का फुल फॉर्म लिख लो, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एम, एम का फुल फॉर्म लिखो मैच्योरिटी वैल्यू, एम मैच्योरिटी वैल्यू, हो गया भैया। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये पी वी आई एफ ए क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, ए का फुल फॉर्म होता है एन्यूटी, ए का फुल फॉर्म क्या होता है एन्यूटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी फैक्टर, एन्यूटी का मतलब होता है टोटल, अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, ऐसे बोलने से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर चीजें अपने आप समझ में आने लग जाएगी। निकालो भैया फटाफट निकाल लो, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन करवा रहा हूं, पेज नंबर 6.2 इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 6.2 पे मिलेगा आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे रखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते जाओ सारा समझ में आ जाएगा आप लोग को, मिल गया। अब देखना क्वेश्चन पढ़ना भाई, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा, मिल गया क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो भैया क्या बोलते हैं आपको, यहां दिखाई देगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड रिडीम आफ्टर 10 ईयर्स, हाँ भैया कितने रुपए का बॉन्ड है बोलो, 10 साल बाद रिडीम करेंगे तो लिख लो एन, एन क्वेश्चन में दे रखा है 10 ईयर्स, 10 साल दे रखे हैं आपको, कूपन रेट दे रखा है 12%, बच्चा कहता है सर कूपन रेट का मतलब तो सी होता है, सी आपको 12% दे रखा है, बट इस 12% का मतलब नहीं, इसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है फेस वैल्यू आपकी 1000 रुपए, हाँ है ना क्लास दिपेश, रुको मैं करता हूँ एक बार आईएफएम में ऐड करता हूँ और इसका लिंक भेज दूंगा तुमको एक्स्ट्रा, ठीक है हाँ। लिख लिया, हाँ भाई 1000 रुपए फेस वैल्यू थी, दिख रही है सबको फेस वैल्यू 1000 रुपए, और क्वेश्चन बोल रहा है सर 12% ब्याज देंगे, तो 1000 रुपए का 12% 120 रुपए आपको हर साल ब्याज मिलेगा, और 10 साल का क्वेश्चन है तो 10 साल तक 120 मिलेंगे, और मैच्योरिटी पे आपको आपका 1000 रुपए वापस मिलेगा, बट है कितने का ये पता कर रहे हैं, इसको बोलेंगे प्राइस ऑफ बॉन्ड यील्ड, याद है भूल गए यील्ड, यील्ड का मतलब क्या होता है रिटर्न, रिटर्न आर कितना दे रखा है क्वेश्चन में बोलो, ये देखो यील्ड ऑफ बॉन्ड कितना दे रखा है बोलो 13%, सारा डेटा गिवन है, फॉर्मूला आपके सामने, खाली कुछ नहीं करना, फिल इन द ब्लैंक्स करने, अभी एग्जाम्स के क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, इसको कराने का सीधा एग्जाम पे आ जाऊंगा मैं, लिखो भैया राइट द फॉर्मूला फॉर पी इक्वल टू सी, कूपन रेट कितना है बोलो 120, लिख लो 120 रुपए इंटू पी वी आई एफ ए आर, अगर मैं आर की बात करता हूं आर है 13%, 13% मतलब 13% लिख लो कोई बात नहीं, 0.13 बोल दो 13% बोल दो, एन कितने साल का क्वेश्चन है ये 10 साल का क्वेश्चन है, एन हो गया 10 ईयर्स, प्लस एम, अब यहां बच्चा फंसता है मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू होता है ना वो आपका 1000 ही होता है फेस वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू एंड फेस वैल्यू इज ऑलवेज सेम, 99% क्वेश्चन में सेम मिलेगा, हो सकता है कहीं पे मेंशन कर दे भैया मैच्योरिटी वैल्यू तो ये रहेगी तो वो आएगी, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी फेस वैल्यू होगी आपकी, तो एम लिख लो 1000 रुपीज इंटू पी वी आई एफ आर कॉमा एन, आर की बात करें आर कितना है बोलो 13% कॉमा एन, एन कितना है बोलो 10 ईयर्स, हो गया। अब प्रॉब्लम यहां पे आती है, बच्चा कहता है सर ये सॉल्व कैसे होंगे, एक तो ये वाला सॉल्व करना है पी वी आई एफ 13% पे 10 साल का, एक आपको ये सॉल्व करना है, अगर इसको सॉल्व करना है ना तो सॉल्व करने का तरीका होता है, यहां पे लिख रहा हूं भैया प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है 1/1 + r रिटर्न, अब देखो 1/1 + r, r कितना है 13%, 13% मतलब 0.13, तो ये जाएगा 1/1.13 यही होगा। अब आप अपने कैलसी में जाओ, अब आप ऐसा करो आपके पास जो कैलसी है उसमें जाओ और लिखो 1/1.13 लिखो 1/1.13 लिखा, अब आप इक्वल्स टू दबाएंगे 10 बार, कितनी बार इक्वल्स टू दबाना है 10 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब 10 बार इसलिए दबाया क्योंकि क्वेश्चन 10 साल का है, 5 साल का होगा 5 बार दबाने, और बोलो वैल्यू क्या आ रही है 1000 इनटू बोलो वैल्यू बोलो बोलो 0.2946, चेक कर लो भाई क्या वैल्यू आ रही है आपकी बोलो, हाँ भाई इधर से बोलो भाई फटाफट, भावना प्रवीण ऋत्विका माइक ऑन करो, दीपिका माइक ऑन करो, प्रिया बोलो,
क्या आ रहा है बोलो, 0.2946 आ रहे हैं प्लस। अब ये वाला जो वैल्यू चाहिए इसके लिए पता है क्या करना है, जो आपने 10 साल वाला दबाया था ना उसमें यहाँ पे जीटी की बटन हो, जीटी की बटन दबा दो, तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो आ गया 5.426 और उसको 120 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या किया, सबसे पहले ये वाला निकाल रहे अपन 1/1.13, कितनी बार दबाना है इक्वल टू 10 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बार दबा दिया तो आपके पास वैल्यू होगी 0.2945, लिख दिया 0.2946 कर दिया। और फिर जो एन्युटी वाली वैल्यू है ना, इसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ कॉर्नर में एक बटन है व्हाइट कलर का जीटी का, ग्रैंड टोटल, इसको जैसे ही आप दबाओगे तो आपके पास वैल्यू आएगा 0.5426 आ गया। जब ये आ गया तो इनटू करके सॉल्व कर लो, खत्म करो कहानी, फटाफट इनटू कर लो भैया, कितना आया, यहां से यहां तक इनटू करो और यहां से यहां तक इनटू करो, बोलो इधर 651.444 और इधर कितना आ रहा है बोलो 294.6, टोटल कर लो कितना आया 945.74 चलेगा भैया, इधर आंसर आ रहा है 946.945 चलेगा, राउंड 0.144 है। हाँ हो गया क्या, बोले यहां तक कोई डाउट है, आगे समझ में क्या किया? अब सुनो, यहां पे हेडिंग डालो, जहां ये क्वेश्चन किया है ना वहां ब्रैकेट में लिखो एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, एनुअल इसी क्वेश्चन पे लिखो, जो क्वेश्चन जस्ट अभी आपने किया है ना वहां नोट डाल लो, ये जो क्वेश्चन था ना इसमें था इंटरेस्ट पेएबल एनुअल, यहां पे जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं ना वो एनुअल पे कर रहे हैं। अब आप हेडिंग डालो वापस से, लिखो इंटरेस्ट पेएबल सेमी एनुअल, अगर ब्याज 6-6 महीने से होगा तो फिर क्वेश्चन में क्या चेंजेस आएंगे, लिखो फटाफट लिखो इंटरेस्ट पेएबल सेमी एनुअल, लिख लिया आप लोगों ने, तो अगर इंटरेस्ट रेट 6-6 मंथ से होगा तो क्वेश्चन में कुछ चेंजेस तो आने वाले, अब वो चेंजेस क्या आने वाले ध्यान से देखो भैया, जो आपको 120 रुपए ब्याज मिल रहा था ना वो पूरे साल का था, तो 6 महीने का ब्याज क्या होगा बोलो, 6 महीने का ब्याज क्या होगा 60, तो कहने का मतलब है कूपन रेट हाफ हो जाएगी, फॉर्मूला लिखो फटाफट, यही फॉर्मूला आएगा, कूपन रेट क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी। अब बात करते हैं रिटर्न, अरे भैया रिटर्न जो था ना 13% वो पूरे साल का था, उसका हाफ हो जाएगा, और टाइम जो है ना 10 साल था, तो 10 साल का अगर टाइम देखे तो 6-6 महीने से कितने राउंड होंगे, डबल हो जाएंगे नहीं होंगे, तो टाइम आपका डबल हो जाएगा, तो फॉर्मूले में कोई ज्यादा एडिटिंग नहीं होगी, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर्मूला वही रहेगा, बस हल्का सा क्या चेंज होना है मैं बता देता हूँ, आर तो हाफ हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा बस। अगर क्वेश्चन सेमी एनुअल है तो कूपन रेट हाफ होगी, सी हाफ हो जाएगा, आर हाफ हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। हाँ भाई कर लिया कॉपी कर लिया आप लोगों ने, 6-6 महीने मतलब जो कंपनी है वो कह रही है हम आपको ब्याज साल भर से नहीं देंगे, कंपनी कहती है हम जो ब्याज देंगे ना वो आपको किससे देंगे 6-6 मंथ से देंगे। हाँ भाई शुरू करें, बस इतना करने के बाद में सीधे एग्जाम्स के क्वेश्चन पे आ रहा हूं, 2 मिनट और रुक जाओ, इधर से चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेज नंबर है आपका 6.2, पेज नंबर 6.2 मिलेगा और आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड मिलेगा, दिखाई दे रहा है क्या, कॉपी कर लो जैसा दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 6.2 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड दिखाई देगा, जैसा दिखाई दे रहा है कॉपी कर लो, मिल गया सेकंड क्वेश्चन, पढ़ना ध्यान से पढ़ना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 8 ईयर्स, कितने साल का मैच्योरिटी पीरियड है 8, तो भैया एन हो गया, कितने साल हो गया बोलो 8 साल हो गया, द पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज 1000, अरे पार वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू आपको 1000 रुपए दे रखा है, कूपन रेट 12%, तो कूपन रेट को क्या बोलते हैं सी, सी आपको 12% दे रखा है, तो 1000 रुपए का 12% कर दो 120 रुपए आ गया, कोई डाउट है किसी को, आगे पढ़ो, पेएबल सेमी एनुअल, अंडरलाइन कर लो दो बार इसको, इंटरेस्ट पेएबल सेमी एनुअल, अगर ये वर्ड लिखा है, बच्चे बोले सर एनुअल में लिखा हुआ ही नहीं होता, बाय डिफॉल्ट एनुअल ही होता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बाय डिफॉल्ट हमेशा एनुअल होगा, सेमी एनुअल होगा तो अगला मेंशन करेगा उसके अंदर, योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14%, भैया क्वेश्चन में आर दे रखा है, आर कितना है 14%, और क्वेश्चन भाई सेमी एनुअल है, ध्यान रखना क्वेश्चन क्या चल रहा है आपका सेमी एनुअल चल रहा है, यही है, शुरू करें, अब आ जाओ फटाफट आ जाओ, यहां पे लिखो फटाफट पी इक्वल टू सी, सी कितना है सी बोलो 120, लिख लो 120 अपॉन 2 इनटू पी वी आई एफ ए, लिखा, अब बात करते आर, आर कितना है बोलो
14% डिवाइड बाय 2, 14% पूरे साल का है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमा n इंटू आर, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, कितने है बोलो, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, 8 इंटू 2 लिख दो एक बार, तो 16 हो गया, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू कितना है बोलो, अब बच्चे कहते हैं ही नहीं मैच्योरिटी वैल्यू, अरे मैंने क्या कहा था, जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है वही क्या होती है, फेस वैल्यू, क्या है फेस वैल्यू आपका, 1000 इंटू पी वी आई एफ आर, आर कितना, व्हाट इज आर, 14 डिवाइड बाय 2, 14% डिवाइड बाय 2, कॉमा कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16 ईयर्स, और यहां पे भी कर दो 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा बोलो आपका, 16 ईयर्स हो जाएगा, सुनो पीछे गेट को दबा के, हां भाई हो गया क्या, शुरू करें, अब आ जाओ इधर आ जाओ, 120 इंटू डिवाइड बाय 2 करो कितना होगा, फटाफट बोलो, 60 इंटू पी वी आई एफ ए, 14 का आधा हो जाएगा 7%, कॉमा 16 ईयर्स, 16 ईयर मत लिखो बुरा लगता है, 16 लिख लो क्योंकि वो 16 साल थोड़ी है, डबल हो गया वो है तो 8 साल ही ना, तो लिखो 16 प्लस 1000 इंटू पी वी आई एफ कितना है, 7%, कॉमा क्या लिखेंगे बोलो, 16। अब भैया अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है ना, तो तरीका आप लोग को सबको पता है, क्या करने वाले हो, कैसे सॉल्व करोगे बोलो, फटाफट बोलो क्या करेंगे, पर इसके अंदर यहां पर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है, आपका पता है क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन 1 प्लस आर, तो 1 अपॉन 1 प्लस आर, आर हो गया 7%, तो 7% का मतलब हो गया 0.07, 7% क्या होगा, 0.07, तो 1 डिवाइड बाय 1.07 यही होगा। अब आप कैलसी में जाओ भैया, और कितनी बार करना है, 16 टाइम्स, कितनी बार करोगे, 16 बार, 1 डिवाइड बाय 1.07, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्या वैल्यू आ रही है, 0.3387 आ रहा है क्या, हाँ भाई चेक करो वैल्यू क्या आ रहा है आपका यहां से यहां तक का, 0.3387 यही आ रहा है क्या, चेक करो तुम्हारी वैल्यू 0.3387 आ रही है ना, इनटू 1000 कर दिया ये तो प्लस, और इधर वाले पोर्शन में पता है कुछ नहीं करना, जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको उसमें खाली एक जीटी की बटन दबा दो तो वो एडिटिव हो जाएगा, कितना आया बोलो, 0.9446, तो इसको कर दो 0.94466 है ना, 7 कर दूं, 0.944 ना, अच्छा 9.4466 बिल्कुल सही है, ये आ गया 9.4466 है ना, तो 67 कर दो, हाँ भाई फटाफट कॉपी कर लो, इनटू करो क्या आ रहा है, इधर वाला पोर्शन बोलो यहां से यहां तक कितना आया, 566.796 प्लस 1000 को इससे करेंगे तो आ जाएगा 338.7 आ जाएगा, ये फाइनल टोटल बोलो 905.49। अगर आपको ये बॉन्ड चाहिए ना, 1000 रुपए का बॉन्ड है, बट कंपनी आपको 905 रुपए में दे देगी, ऊपर से 6-6 महीने से कंपनी आपको ब्याज देगी, 8 साल पूरे होने के बाद में कंपनी आपके 1000 रुपए आपको वापस लौटा देगी, शायद आपको गेम समझ में आ गया होगा, पूरा वर्क कर गया सारा, क्लियर है। अब सुनो, कई बार उल्टा होता है, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो क्वेश्चन किया है मैंने कहा पी दे रखा है 105, पी दे रखा है आपको 905.49, ये दे रखा है, मान लो पी दे रखा है, पी दे रखा है, एन दे रखा है, फेस वैल्यू दे रखी है, मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है, कूपन दे रखी है, आर गायब है, क्या गायब है, आर। तो कई बार क्वेश्चन उल्टा आता है, कई बार वो आर गायब करेगा और कई बार क्या गायब करेगा, पी गायब करेगा, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो यील्ड टू मैच्योरिटी आर, इस बार क्या करने वाले अपन, इस बार आर गायब होने वाला है, आर कैलकुलेट करना है, आर को सेकंड फॉर्म में बोलते हैं YTM, फुल फॉर्म होता है इसका यील्ड टू मैच्योरिटी, फुल फॉर्म क्या होगा इसका, यील्ड टू मैच्योरिटी, हाँ शुभम बोलो, शुभम बोलो, सुन रहा हूं सर, वॉइस ब्रेक हो रही है, हाँ तो नेटवर्क इशू है तुम्हारी साइड में, तुम्हारी साइड में नेटवर्क इशू है, अब ये क्लास जब सुनो सुनो, क्लास जब रिकॉर्ड हो जाएगी तो 2 घंटे बाद तुमको मिल जाएगी पूरी क्लास रिकॉर्ड होने के बाद में। अप्रिया, दीपिका, मीनाक्षी, निधि, सुनील, दीपेश, तुम्हारी साइड में हो रही है क्या वॉइस ब्रेक, दीपिका करो एक बार माइक ऑन करो, हाँ हाँ निधि, नहीं हो रही है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, उसके साइड में नेटवर्क इशू होगा तो उसका नहीं, हाँ भाई हो गया क्या यहाँ तक, क्लियर है, चलो
अब अगर आपको YTM निकालना है ना, फॉर्मुला लिखो फटाफट, बोलो YTM का फॉर्मुला, बोलो सी प्लस क्या एम माइनस पी अपॉन एन अपॉन 0.4 इंटू एम प्लस 0.6 इंटू पी इंटू 100। लिख लो, राइट द फॉर्मुला फॉर YTM। YTM का फॉर्मुला लिखो, YTM को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी, C प्लस एम माइनस पी अपॉन एन 0.4 इंटू एम प्लस 0.6 इंटू पी इंटू 100। लिख लिया। हाँ भाई, फुल फॉर्म की कोई दिक्कत नहीं है ना? C का फुल फॉर्म कूपन रेट पता है सबको, M का फुल फॉर्म मैच्योरिटी वैल्यू, P का फुल फॉर्म प्राइस ऑफ बॉन्ड, N का फुल फॉर्म नंबर ऑफ ईयर्स, सब कुछ पता है, और C का फुल फॉर्म कूपन रेट था ना, कोई दिक्कत? चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन आएगा, फिर मैं आ जाऊंगा सीधे एग्जाम्स पे, फिर सारे क्वेश्चन होमवर्क पे जाएंगे। आज चैप्टर पूरा कर लेना भैया, ये चैप्टर पूरा का पूरा आप लोग को करना है, मैं नहीं कराऊंगा, मेरी तरफ से ये टॉपिक हो गया। अभी एग्जाम्स के क्वेश्चन कराने के बाद में फ्री, सबसे छोटा चैप्टर इसलिए आज उठाया था क्योंकि अभी भी क्या है, बच्चे गायब है और कल मिलेंगे बाकी के सारे बच्चे। हाँ इधर देखो, इधर देखो, मिल गया क्वेश्चन, मिल गया आपको। अब देखना ध्यान से, देखना क्वेश्चन क्या कहते हैं। 1000 रुपीज का पार वैल्यू दे रखा है भैया, अरे भूल गए क्या, पार वैल्यू को क्या बोलते हैं अपन, फेस वैल्यू। लिख लो साइड में, फेस वैल्यू आपको 1000 रुपए दे रखी है, ये देखो फेस वैल्यू आपको इज्जत से 1000 रुपए दे रखी है, मिल गई सबको। आगे देखो, आगे क्या दे रखा है आपको, मिल गई फेस वैल्यू 1000 रुपए, और क्लियर है ना अब तो? ठीक है, आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है, कूपन रेट दे रखा है 9%। तो भैया सी दे रखा है 9%, कितनी बार समझाया था, वो जो दे रखा है ना उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आ जाएगा 90 रुपए, ये सी आ गया। 1000 रुपए का 9% 90 रुपए होगा। 8 साल दे रखा है, एन हो गया आपका 8 ईयर्स, एन इज हाउ मच 8 ईयर्स। अब क्वेश्चन में करंट सेलिंग प्राइस दे रखी है, भैया याद करो, भूल गया क्या, सेलिंग प्राइस मतलब क्या दे रखा है आपको, पी दे रखा है, और पी कितना दे रखा है आपको, 800 रुपए दे रखे है। यील्ड टू मैच्योरिटी YTM, और दूसरे नाम से क्या बोलेंगे, आर, आर निकालना, उल्टा हो गया इस बार क्वेश्चन, इस बार पी दे दिया और क्या पूछा है इन्होंने, आर पूछा है। शुरू करते हैं भैया फटाफट, देख लो इधर सी, सी कितना है बोलो, 90, लिख लो 90 प्लस एम माइनस पी, एम माइनस पी की बात करें, व्हाट इज एम, एम, अब बच्चा कहता है एम तो पता ही नहीं, अरे मैंने कितनी बार समझाया था आपको, अगर फेस वैल्यू है और मैच्योरिटी वैल्यू मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, फेस वैल्यू होती है। हाँ कितना हो गया बोलो इधर, एम हो गया आपका 1000 रुपए माइनस पी, पी कितना है, पी इज हाउ मच, 800, लिख लो 800 अपॉन एन, एन कितना है, 8 साल है, डिवाइड बाय 8 कर लो, अपॉन 0.4, तो 0.4 इंटू एम, एम कितना है 1000 रुपीज, प्लस 0.6 इंटू 800, पी है ना 800 इंटू 100, कर लो सॉल्व, कर लो फटाफट कर लो। देखो इधर से देखो, ये तो ऊपर वाला आ गया 90 प्लस 1000 माइनस 800 200, 200 डिवाइड बाय 8 25। देखो अगर बात करना है थोड़ी देर बाद, हवा अच्छी आ रही। आगे देखो, 0.4 इंटू 1000 कितना आ गया, 400 प्लस 0.6 इंटू 800 बोलो 480, लिख लो यहाँ पे 480 इंटू 100। जिसने माइक ऑन कर रखा है उसके बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, बंद कर दो माइक, या तो माइक बंद कर दो या फिर बैकग्राउंड नॉइस बंद करो। हाँ करो सॉल्व करो, 90 प्लस 25 कितना हुआ, 115 अपॉन 4880 इंटू 100। बोलो भैया फाइनल आंसर बोलो, 13.07%, ये आपका आंसर आएगा। ये देखो नीचे आंसर दिखाई दे रहा है। हाँ भाई कुछ क्लियर हुआ क्या, वर्क कर गया? अब शुरू करो चैप्टर को, मैंने मेरी तरफ से आइडिया दे दिया सारा, अब एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट करो, जो एग्जाम के क्वेश्चन है, टारगेट मेरा एग्जाम ही था, ये तो मैंने एक्स्ट्रा में कराए थे क्वेश्चन। हो गए क्या भाई, कर लिया, किसी को कोई डाउट है यहां तक? नहीं है, समझ में आ गया ना फॉर्मूला, क्लियर है? अब आ जाओ फटाफट निकालो 2015 एग्जाम्स के पेपर निकालो, मेन एग्जाम्स के पेपर निकालो, जो एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आता है उसकी बात कर रहा हूं, 2015 का पेपर निकाल रहा हूं मैं, जो लोग के पास बुक है ठीक है, नहीं है तो आप लिख लो, ये पेपर है 2015, केस स्टडी आई थी मेन एग्जाम में 2015 के अंदर, ये धानुका लिमिटेड का केस स्टडी आया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे भैया, बॉन्ड वैल्यूएशन का कई बार मेन एग्जाम में केस स्टडी बनता है। मिल गया आप लोगों को क्वेश्चन, पढ़ना भैया क्या लिखा है, द धानुका लिमिटेड इज कंसिडर्ड टू इन्वेस्ट इन अ बॉन्ड करंटली सेलिंग इट, भैया क्वेश्चन में पी दे रखा है, करंट प्राइस मतलब करंटली सेलिंग इट, करंटली सेलिंग इट मतलब क्या दे रखा है आपको, पी दे रखा है, कितना है पी बोलो, पी कितना है 8785.07, यही दे रखा है पी,
द बॉन्ड हैज 4 ईयर मैच्योरिटी, तो भाई क्वेश्चन में एन दे रखा है, कितना साल है? 4 साल। फेस वैल्यू 10,000 रुपए, बहुत बढ़िया। तो फेस वैल्यू क्वेश्चन में आपको 10,000 दे रखी है, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे ना तो मैच्योरिटी वैल्यू भी यही हो जाएगी। 8% कूपन रेट, भैया 8% कूपन रेट दे रखा है, तो सी हो जाएगा 10,000 का, 10,000 का 8% कर दो, 10,000 का 8% कितना हो जाएगा? 800 रुपए हो जाएगा। 800 रुपए क्या हो गया? ब्याज हो गया। आगे लिखा है द नेक्स्ट एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट इज ड्यू 1 ईयर फ्रॉम टूडे। हिंट दिया इसने, क्या हिंट दिया? कि भैया अगला ब्याज अगले साल आएगा, कहने का मतलब क्वेश्चन एनुअल है। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो भी क्वेश्चन एनुअल होता, और अगर यहां लिख देता कि ब्याज 6-6 महीने से आएगा तो क्वेश्चन क्या होता? सेमी एनुअल। बट ये क्वेश्चन क्या है? एनुअल। अप्रोक्सीमेटली डिस्काउंटिंग फैक्टर, भैया कुछ लोग इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं, कुछ लोग इसको आर बोलते हैं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ लोग इसको यील्ड बोलते हैं, रिटर्न यील्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर एक ही बात है। तो भैया क्वेश्चन में आर दे रखा है, कितना दे रखा है आपको? आर इज हाउ मच? 10% दे रखा है, लिख लो 10%। फिर से बोल रहा हूं, लिख लो आर का फुल फॉर्म। आर को यील्ड बोलते हैं, आर को रिटर्न बोलते हैं, आर को डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं, आर को यील्ड टू मैच्योरिटी बोलते हैं, YTM भी बोलते हैं, इसको याद रखना है, छोटी छोटी बातें, नहीं तो बच्चा टेंशन में आए डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या था। अब सुनो बोर्ड पे देखो, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ना। कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, तो भैया क्वेश्चन आपसे पी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पी। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कैसी बातें करते हो सर, ऊपर देखो पी दे रखे है, अब फिर से पी पूछवा रहे हो। ये क्वेश्चन कह रहे हैं इस पी को भूल जाओ, अपना निकालो। क्वेश्चन वाले पी मतलब प्राइस ऑफ बॉन्ड को नहीं देखना है, आपको अपनी खुद की प्राइस ऑफ बॉन्ड निकालनी है। फिर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन शुड धानु का परचेज दिस बॉन्ड, क्या वो प्राइस से आप कैलकुलेट करो कि ये बॉन्ड खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। चलो सेकंड पॉइंट पढ़ो, कैलकुलेट YTM ऑफ द बॉन्ड, क्या निकालना है बोलो? YTM निकालना है, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन धानु का परचेज द बॉन्ड, तो क्वेश्चन को कितनी बार करना है? 2 बार। पी भी निकलेगा और YTM भी, फॉर्मुला लिखो फटाफट पी का। हेलो, हाँ गाड़ी में चाबी दोनों मेरे पास है, हाँ लेके जानी पड़ेगी। हाँ भाई हो गया, लिखो फॉर्मूला, लिखो C into P V I F A R comma N plus M into P V I F R comma N, प्लीज फटाफट कॉपी कर लो। हो गया भाई, कर लिया कॉपी सबने? अब बच्चे कहते हैं सर ये देखो प्राइस ऑफ बॉन्ड दे रखा है, मैं इसको कट कर रहा हूं, इससे मतलब नहीं है, आप अपनी पी निकालें, आप अपना खुद का प्राइस ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। तो भैया डेटा सब दे रखा है, कॉपी कर लो फटाफट। सी, सी कितना है बोलो? सी इज हाउ मच, कितना है? 800 रुपए इनटू पी वी आई एफ ए आर, आर कितना है? 10%, 10% कॉमा, कितने साल का है? 4 इयर्स का है, 4 साल का, प्लस मैच्योरिटी, साइलेंट है क्वेश्चन। और मैं कितनी बार समझाया था, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फेस वैल्यू क्या होता है? मैच्योरिटी वैल्यू होता है। तो कितना हो गया बोलो मैच्योरिटी वैल्यू? 10,000। फिर आप लिखेंगे आगे पी वी इंटू पी वी आई एफ आर, आर कितना है बोलो? 10% कॉमा, कितने साल का है बोलो? 4 ईयर। बोले यहां तो कोई डाउट है क्या? अब अगर सॉल्व करना है तो आपको सबको पता है, एक तो ये वाला निकालना पड़ेगा और एक ये वाला निकालना पड़ेगा, दोनों निकालने। तो भैया फॉर्मूला है आपका 1/1 + r, तो 1/1.10 यही करेंगे ना, कैलसी में जाओ भैया, लिखो 1/1.10, 1, 2, 3, 4, 4 बार क्यों दबाया मैंने? क्योंकि 4 साल का क्वेश्चन है। क्या वैल्यू आ रही बोलो? 0.68 0.6830 आ रही है, 3 कर दो या 30 कर दो चलेगा। और इधर से चलते हैं अपन, ये तो हो गया आपका 10,000 into, और यहां पे आएगा आपका 800 into, क्या है बोलो? 1/1.10, 1, 2, 3, 4, वो तो पहले भी कर लिया था अपन ने। और किसकी बटन दबाएंगे? ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल का बटन दबा दो, तो आपके पास आ गया 3.1699। करो भैया सॉल्व कर लो, इधर वाला बोल रहे हो फर्स्ट पार्ट, क्या आया बोलो? 2535.92 प्लस ये वाला पार्ट हो जाएगा 6830 हो जाएगा। फाइनल करो कितना आया? 9365.92, ये रेट आ रही है आप, ठीक है। अब रुको रुको,
प्लीज दो मिनट सुनना मेरी बात को, क्वेश्चन छोड़ दो, एक छोटी सी बात करता हूं फिर क्वेश्चन पे आएंगे वापस। मैंने कहा एक प्लॉट सेल हो रहा है, एक जमीन बिक रही है और आपको पता लग गया और आपके पास पैसा है और आपका मूड है कि वो जमीन खरीदनी है, कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है आपको, ठीक है। तो आप वहां गए, वहां के चार प्रॉपर्टी डीलर से बात की, वहां के बुजुर्गों से बात की और आपने एक रेट निकाली, बोले यार ये रेट ये 10 लाख के आसपास की जमीन है। कितने की जमीन है? 10 लाख की। अगले दिन मॉर्निंग में ऑक्शन हुआ, ऑक्शन मतलब नीलामी हुई, उस नीलामी में आप भी पहुंच गए। अब वो उससे पूछा भैया कितने की, कहते 12 लाख 13 लाख, और आपकी कैलकुलेशन क्या बता रही है? 10 लाख। क्या वो जमीन खरीदोगे आप? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आपका हिसाब बता रहा है 10 लाख की चीज है, अगला कह रहा है तो 12 लूंगा, बोले तू रख मेरे को नहीं चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? अब सुनो, आपकी कैलकुलेशन कहती है 10 लाख की चीज है, सामने वाला आपसे डिमांड कर रहा है 9 लाख रुपए, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है चल फाइनल कर। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि आपके दिमाग में जो चीज 10 लाख की वो कितने की मिल रही है? 9 लाख की। अब सुनो, आपने इसकी रेट निकाली, टॉपिक पे हूं मैं, ध्यान से देखना क्या रेट निकाला, रेट बोलो। 9365 मतलब 9000 के आसपास। तो आपके हिसाब से ये बॉन्ड अगर खरीदा जाए ना तो मार्केट में इसकी रेट 9000 के आसपास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए रेट? 9000। और अगला कितने में दे रहा है? ऊपर आओ, ये री रेट। अगला कितने में दे रहा है ये बॉन्ड आपको? 8000 के आसपास दे रहा है। तो 9000 रुपए आपके हिसाब से बढ़ रहे हैं, और अगला कितने में दे रहा है आपको? तो यार तो सस्ता दे रहे हैं, तो अपने को बॉन्ड लेना चाहिए। नीचे क्या लिखा है क्वेश्चन पढ़ो भैया। बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन शुड धानुका परचेज दिस बॉन्ड, क्या ये बॉन्ड खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? बोलो खरीदेगा। लिखो नीचे, लिखो नीचे, लिखो लिखो नीचे, लिखो डी विल परचेज, डी मतलब धानुका, धानुका विल परचेज दिस बॉन्ड। क्यों खरीदेगा बोलो? क्योंकि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा है। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं? इंट्रिंसिक वैल्यू जो आपने निकाली, लिखो, बिकॉज द इंट्रिंसिक वैल्यू इज मोर देन एक्चुअल वैल्यू। हाँ बोल सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू इज मोर देन मार्केट प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू इज मोर देन मार्केट प्राइस। हो गया भाई, यहां तक क्लियर है क्या? अब क्वेश्चन को अपन दोबारा से सॉल्व करते हैं। भैया एक पार्ट तो हो गया, दूसरे पार्ट में आपसे पूछा था YTM, क्या पूछा था आपसे? YTM, yield to maturity। फॉर्मूला पता है आपको YTM का क्या था? फॉर्मूला बोलो, C into C plus M minus P upon N upon 0.4 into M plus 0.6 into P into 100। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब पता है ये क्वेश्चन बच्चा छोड़ दे, सबसे इजी चैप्टर करा रहा हूं आज, कल से कराऊंगा एक्चुअल चैप्टर सारे, और अगर यही छोड़ दे बच्चा क्या मतलब है उसको एमबीए करने का? अभी तो आ जाओ भैया, चलो इधर देखो, इस एक चैप्टर से मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से कम 15 बच्चे हैं बिकॉज ऑफ दिस चैप्टर। उनका एक असाइनमेंट था, इस चैप्टर का था पूरा, तो मेरे को दिखाते ही मैंने असाइनमेंट सॉल्व किया, तो सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में मेरे से भी थोड़ा जिग-जैग हो गया, 100 में से 100 नंबर आए उनके। और सारी की सारी लड़कियां बोलती है सर पेपर ही आप दे दो, मेन एग्जाम के पेपर भी मैंने दिए उनके साथ, गर्ल्स है उसके साथ, नाम बताओ, सिमरन, बनमीत, ये सारी इधर की है, पंजाब की लड़कियां हैं सारी की सारी। आगे उधर देखो, शुरू करें, सी सी मिला, बट सारी मैरिड भी है। बोले सर हम हमारे क्योंकि वो फोन करती है ना, तो बोलती है सर हाँ हमने हमारे हस्बैंड को बोल दिया है वो आज आपको पेमेंट कर देंगे। चलो आ जाओ वापस आओ टॉपिक पे। सी सी कितना दे रखा है बोलो? सी कितना था भैया? इधर देखो, देखो सी कितना है, सोचो। एक चैप्टर पूरे मतलब वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है ये चैप्टर, तो कुछ तो है इसके अंदर। हो गया सी मिला, कितना मिला सी बताओ? 800। तो लिखो एम, एम कितना एम बताओ? एम इज हाउ मच? फेस वैल्यू क्या थी भैया? 10000। माइनस पी, पी कितना है? 87.85। बच्चे कहते हैं सर हमने निकाला वो वाला लिख दे, अरे वो कैसे लिख दोगे आप? पी जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखना है, आपने निकाला वो तो कंपेयर के काम आ गया था। अपॉन एन, कितने साल का क्वेश्चन है? 4 साल का क्वेश्चन। अपॉन 0.4 into M, एम कितना है बोलो? व्हाट इज योर एम? एम फटाफट बोलो, एम कितना है? एम है आपका 10000 प्लस 0.6 into P, पी इज हाउ मच? पी कितना है बोलो? 87.85.07 into 100। अब बोलो क्या ये क्वेश्चन नहीं हो सकता? फाइनल आंसर बोल रहे हैं? अच्छा ये वाला बोलो, 1000 माइनस 1 करके डिवाइड बाय 4 करो, 800 प्लस कितना आया? 303.73 अपॉन, ये तो 4000 हो गया, प्लस ये वाला बोलो 5271
0.04 into 100 करो 11.9%। हाँ 303.73। हाँ भाई प्लीज अब सुनो मेरी बात सुनो, ये अब यहां पर भी फिर से पूछा है आपसे, देखो तो क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं अपन ने। इसने क्या बोला था, कैलकुलेट द YTM, निकाल लिया मैंने YTM, फिर क्या बोला, बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन शुड डी परचेज द बॉन्ड, क्या वो बॉन्ड खरीदेगा। इधर आओ भैया, इधर आओ, ध्यान से देखो मेरे को एक बात बताओ, आपने YTM निकाला है, YTM जिसको अपन बोलेंगे R, कितना निकाला है बोलो, 11%, मतलब मेरे को कम से कम 11% तो चाहिए। YTM का फुल फॉर्म होता है रिटर्न, मैंने कैलकुलेशन निकाली है, मेरा हिसाब बताता है कि 11% से कम में नहीं लूंगा मैं इस चीज को, 11.9 का मतलब पता है कितना होगा राउंड फिगर में, 12% तो चाहिए चाहिए मेरे को। अगले का रिटर्न क्या है, देखो ये रहा रिटर्न क्या देखा अगले ने 10, तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से कम 12 चाहिए, और अगला कह रहा है मैं तो 10 ही दूंगा, तो भैया इस बॉन्ड को रिटर्न के पॉइंट ऑफ से खरीदने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्राइस तो सस्ती है इसकी, बट इसके रिटर्न्स उतने नहीं मिलेंगे जितने अपने को चाहिए। भाई शुरुआत में तो आपको सस्ती चीज मिल रही है, बट वो फ्यूचर में 4 सालों में जो रिटर्न देगी ना, वो जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन होता है रिटर्न वो नहीं देगी। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ना, दोनों को मिला के कंक्लूजन निकाला जाए, तो इस बॉन्ड को खरीदने का मतलब अभी सस्ती दिख रही है वो चीज, बट बाद में उतना रिटर्न नहीं देगी, आपको इनडायरेक्टली क्या दे जाएगी, लॉस दे जाएगी। अब नीचे लिखो फ्रॉम द YTM पॉइंट ऑफ व्यू, लिख लो फ्रॉम द YTM पॉइंट ऑफ व्यू वी विल नॉट परचेज दिस बॉन्ड, सेपरेट है दोनों के आंसर अलग लगाएंगे, अपन कंक्लूजन में मर्ज कर रहे हैं, बट मर्ज नहीं करने आपको, और एग्जाम में भी मर्ज नहीं करना, अगले ने 2 क्वेश्चन पूछे अलग अलग, इसके पॉइंट ऑफ से बताओ और इसके पॉइंट ऑफ से बताओ। फ्रॉम द YTM पॉइंट ऑफ व्यू वी विल नॉट परचेज दिस बॉन्ड, इसको खरीदेंगे नहीं। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या, बैठा क्या पक्का क्लियर है। 2015 का था भैया केस स्टडी, 2015 में केस स्टडी आए थे, और निकालो फटाफट एग्जाम्स के क्वेश्चन निकालो, ठीक है इसमें मिलेगा 2015 के बाद में 2017 में आया था, 17 में 18 में था भैया 2018 का पेपर निकालो, 2018 मेजर 2 करके पेपर दिखाई देगा आपको, क्वेश्चन नंबर 5 का बी मिलेगा, 2018 क्वेश्चन नंबर 5 का बी दिखाई देगा आपको, ये रहा क्वेश्चन 2018 क्वेश्चन नंबर 5 का बी मिलेगा आपको, तो देख लो ना आप करवा रहे हो, एक ही बात है वैसे होमवर्क ही देने वाला हूं क्योंकि ट्रिक सारी हो चुकी है, अब बच्चा कर सकता है। ये है 2018, सुनना भैया 2018 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 5 का कौन है, बी है, कितने नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर भी बुरे होते हैं क्या, फॉर्मुला लगाओ आंसर निकालो, 8 नंबर मिल रहे हैं सीधे सीधे। हाँ भाई शुरू करें, इधर देखो बी हैज कंसिडर्ड टू इन्वेस्ट इन वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड, ये जो बंदा है ना ये दोनों में से या तो एक्स में लगाने के मूड में है, वाई में लगाने के मूड में, अब किस में लगाएगा भाई, जहां पर आपको रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे वो ऑप्शन चूज करोगे आप, पढ़ो पढ़ो। कूपन रेट दे रखा है भैया 11% दिख रहा है 12%, टाइम दे रखा है 10 ईयर्स 7 ईयर्स, और ये जो वैल्यू है ना देखो ये 76 और 96 और ये 100 लिखा है, लगाओ कॉमन सेंस लगाओ, बिना देखे बोलो क्या कहना चाहता है ये, तो ये फेस वैल्यू बिल्कुल सही है, 100 रुपए तो फेस वैल्यू हो गई, और ये 76 और 96 क्या हो गई, पी हो गया। आगे पढ़ो, विच बॉन्ड शुड बी परचेज बाय हिम, दोनों में से कौन सा बॉन्ड वो खरीदेगा, विल योर आंसर विल बी चेंज इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 21%, को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, तो भैया सबसे पहले तो ये डिसीजन लो कि वो कौन सा बॉन्ड खरीदेगा। अब बच्चा बोलता है सर कैसे लेंगे डिसीजन, अरे भैया ध्यान से देखो, सी दे रखा है, एन दे रखा है, फेस वैल्यू दे रखी है, पी दे रखा है, क्या नहीं है, आर नहीं है, तो दोनों का निकलेगा YTM और दूसरे का भी निकलेगा YTM, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों का सेपरेट सेपरेट आर निकाल लो, और जिसका आर बोलो बोलो जिसका आर ज्यादा होगा वो बॉन्ड हम खरीदेंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, विल योर आंसर विल व्हाट विल बी योर आंसर इफ द विल योर आंसर चेंज इफ द रिक्वायर्ड यील्ड इज 21%, फिर क्वेश्चन को दोबारा करने, सुनना मैं नहीं कराऊंगा घर पे करें ना, एक्स का और वाई का आर निकाल लेना, आर मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी, क्या निकालना है भैया, YTM YTM निकालोगे नहीं निकालोगे, निकाल के डिसीजन ले लो 4 नंबर मिलेंगे, दोनों का YTM निकाल लो और डिसीजन ले लो 4 नंबर मिल जाएंगे, मिल गए 4 नंबर। फिर दोबारा क्वेश्चन को करना है, इस बार पता है इन्होंने कहा दोनों में आर मान लो 21%, क्या बोल रहा है भैया क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है सेकंड राउंड ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ले रहा हूं, दोनों में आर कितना मान लो बोलो 21%, 21%, मैं नहीं बोल रहा हूं क्वेश्चन में लिखा है, विल योर आंसर चेंज इफ द रिक्वायर्ड रिटर्न, रिटर्न दे दिया इसने इस बार,
तो अब इस बार ये 76 और 96 को मारो गोली, अपना निकालो, पी निकालो, निकालिए दोनों का पी, और दोनों का पी निकालने के बाद में जिसका पी कम आएगा, प्राइस कम चाहिए, क्योंकि आप समझ ना, ज्यादा नहीं कम चाहिए, सोचो ये वाला बॉन्ड आपको मिल रहा है कितने का मिल रहा है, 80 रुपए का, ये वाला बॉन्ड मिल रहा है आपको 70 रुपए का, तो बोलो 70 रुपए का बॉन्ड मिल रहा है तो सस्ता मिल रहा है ना, तो कौन सा वाला परचेज करोगे, 80 वाला कि 70 वाला। तो अब दूसरे राउंड में क्या निकालना है, पी निकालना, आर आप ले लेना 21% और अपना खुद का पी निकालना, और जिसका पी ज्यादा, सॉरी जिसका पी कम आएगा उसको मैं सेलेक्ट करूंगा, दो क्वेश्चन कर, हो जाएगा। अब ये आगे समझ में, पहले राउंड में दोनों के आर, दूसरे राउंड में जो प्राइस है ना, प्राइस देखो ध्यान से, ये जो प्राइस दिखाई दे रही है कि आपको इस प्राइस को गोली मारो, ये है ही नहीं, और मैंने कहा आर दे रखा है, आर कितना दे रखा है, बोलो क्या दे रखा है, आर 21% और 21%। क्या अब इन दोनों का पी निकाल सकता हूं क्या मैं, दोनों का पी निकाल लो, जिसका पी कम आएगा उसको सेलेक्ट करेंगे। बोलो भाई, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो, वह कर गया सारा पक्का, अब आ जाओ फटाफट बुक में आ जाओ, और बुक में जाओ और फटाफट बाकी के क्वेश्चन निकालो, ऊपर चलना पेज नंबर 666, चैप्टर नंबर 6 है भैया आपका, चैप्टर नंबर 6 में जाओ और चैप्टर नंबर 6 में इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखो फटाफट, बस 5 मिनट और लूंगा भैया, इलस्ट्रेशन नंबर 9 निकालो फटाफट, चैप्टर नंबर 6 इलस्ट्रेशन नंबर 9 और 10 बता देता हूँ, कोई भरोसा नहीं, एमआर गोल के क्वेश्चन है, पलटी मार के आ भी सकते, और पेपर सेटर क्या करता है, ये जो मार्केट में जो बुक चल रही है उसमें से कोई बुक उठाता है उसके क्वेश्चन है, ये आ जाएगा तो ईजी तो है, कर तो लेगा बच्चा, पर एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क पे डालो। हाँ भैया, ये क्वेश्चन होमवर्क पे करना है, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं आप लोग को, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क पे डालो, करना आप लोग को है, हल्का सा बताया तो भाई, क्वेश्चन देख लो, मिल गया क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द बॉन्ड आर डिसाइडेड टू अप्लाई द फॉलोइंग डिस्काउंटिंग रेट, डिस्काउंटिंग रेट, अरे डिस्काउंटिंग रेट भूल गए क्या, क्या बोलते हैं डिस्काउंटिंग रेट को, आर बोलते हैं। अब यहां क्या है, ये इस सामने वाले ने थोड़ा फंसा दिया, और बच्चा क्या है बेचारा, इसको देख के कंफ्यूज हो जाता है, तो कंफ्यूज होना मत। अब देखो यहां लिखा है डिस्काउंटिंग के हिंट दे रखे, अगर ट्रिपल ए वाला बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग होती है, अब क्या होती है वो थ्योरी में पढ़ेंगे अपन, ट्रिपल ए वाला बॉन्ड है तो 364 डे का टी बिल और उसमें 3% स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है एक्स्ट्रा, क्या होता है स्प्रेड का मतलब, और 364 डे टी बिल का रेट दे रखा है 9% दे रखा है, तो भैया ये तो हो गया 9% और 3% एक्स्ट्रा, टोटल कितना हो गया बोलो 12% हो गया। अगर ये डबल ए वाला बिल है, अगर डबल ए वाला टी आपका बॉन्ड है तो भैया कितना होगा, ट्रिपल ए, ट्रिपल ए का आंसर बोलो क्या था, व्हाट इज द आंसर ऑफ ट्रिपल ए, ट्रिपल ए का आंसर क्या आया था बताओ आप, 12% आया था, तो लिखेंगे 12+2% एक्स्ट्रा, कितना हो गया बोलो 14%, और तीसरा वाला ट्रिपल ए +3% है ना, तो 12+3% एक्स्ट्रा कितना हो गया बोलो 15% हो गया भाई। अब क्वेश्चन पढ़ना, ही इज कंसिडर्ड टू इन्वेस्ट इन डबल ए, अब आया समझ में क्या बोल रहा हूं भैया, आर मिल गई तीन तीन, 12%, 14%, 15%, मैं तो फंस गया, कौन सी वाली लू, कंफ्यूज हो रहा हूं मैं तो। अरे अगला कह रहे सर हमको किसी से मतलब, हमको तो डबल ए से मतलब है, किससे मतलब है डबल ए, तो बताओ डबल ए का आर क्या है, डबल ए में जाओ ये रहा डबल ए, और डबल ए का आर क्या बोलो, झंझट ही खत्म हो गया, मैं साइड में लिख रहा हूं आर आ गया, कितना आ गया आर बोलो 14%। आगे पढ़ो आगे क्या लिखा है, फेस वैल्यू 1000 लिख लो भैया, फेस वैल्यू आपको 1000 रुपए दे रखी है, 1000 रुपए हो गया। आगे लिखा हुआ है करंटली सेलिंग प्राइस दे रखी है भैया 1025.86, ये प्राइस दे रखी है, दिख रहा है आपको करंटली सेलिंग इट। आगे पढ़ो द बॉन्ड हैज 5 ईयर मैच्योरिटी, बहुत बढ़िया, एंड आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना दे रखा है बोलो 5 ईयर दे रखे, एंड द कूपन रेट इज 15%। अरे भैया सी निकाल लू क्या, अगर कूपन रेट 15% दे रखी है तो 1000 रुपए का 15% निकाल लो 150 रुपए आएगा, 150 रुपए क्या आ गया बोलो सी आ गया आपके पास में। आगे पढ़ो एंड द नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट पेमेंट ड्यू 1 ईयर फ्रॉम टूडे, हिंट दे दिया 1 साल बाद, क्वेश्चन एनुअल है, मतलब 99% क्वेश्चन एनुअल ही होता है, कोई 1% चांस है कि क्वेश्चन सेमी एनुअल आता है, ऑस्ट्रेलिया के जितने भी क्वेश्चन किए थे ना सारे सेमी एनुअल थे, एनुअल एक भी नहीं था क्वेश्चन। अब देखो आगे क्या दिखाई देगा, रिडीम एट पार दिखाई दे रहा है आपको, मिल गया सारा डेटा। अब आपको क्या पूछा है भैया मेरे को एक बात बताओ, डेटा दिख रहा है क्या आपको, इसमें कोई दिक्कत है बोलो, आर आपके पास आ गया, फेस वैल्यू, अच्छा फेस वैल्यू दो सुनो, मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है भैया क्वेश्चन में, तो आप बताओ मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, एम 1000 हो जाएगी, सब कुछ मिल गया। अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड शुड ही इन्वेस्ट इन अ बॉन्ड, तो भैया बच्चे कहते हैं सर प्राइस दे रखी है, मारो गोली इस प्राइस को, आप तो अपनी प्राइस निकालो,
जो प्राइस आपकी आएगी उसको इससे क्या करेंगे बोलो, कंपेयर। और अगर मेरी प्राइस, मेरी प्राइस ज्यादा है और ये कंपैरिजन वाली प्राइस कम है तो मैं खरीदूंगा, और अगर मेरी प्राइस कम आ रही है उसकी ज्यादा तो मैं नहीं खरीदूंगा। सेकंड पॉइंट में क्या पूछा, पढ़ो पढ़ो फटाफट पूछो। एक तो करंट यील्ड पूछा है और एक YTM पूछा है। YTM तो आता है, आप निकाल लोगे इसका YTM। अब बच्चा कहते हैं सर करंट यील्ड नहीं बताया आपने, लिख लो फॉर्मूला, लिख लो। राइट द फॉर्मूला फॉर करंट यील्ड, बहुत इजी है, सी अपॉन पी इंटू 100। करंट यील्ड का फॉर्मूला लिख लो, मैं बताना भूल गया आप लोग को, सी अपॉन पी इंटू 100। अगर मैं सी की बात करूं, क्या है सी बोलो, 150 अपॉन पी, पी देखें 1025.86 इंटू 100, कर लो भैया 14.62%। ये लो एक करंट यील्ड आ गया, ये देखो आंसर भी दिखाई दे रहा होगा आपको। सी, सी आपको 150 रुपए दे रखे है, पी क्या दे रखा है 1025.86 दे रखा है, खत्म कहानी, हो गया क्वेश्चन। बस अब दो मिनट और लूंगा, एक इलस्ट्रेशन में 10 और बताने, होमवर्क में डाल दो, क्वेश्चन हो जाएगा ना आराम से, कर लोगे ना क्वेश्चन, आ गया समझ में? नहीं, अलग अलग आते हैं। YTM का आंसर लिख लो, ऐसे कैसे सेम है, इसमें बुक में दे नहीं रखा है, लिख लो YTM का आंसर, लिख लो भैया 14.26% आएगा, 26 आएगा, चेक कर लो ध्यान से, देखो मेरे को इतनी दूर से दिख रहा है तुमको। हाँ दीपिका बोलो। बॉन्ड स्वैप क्या है, देखो बॉन्ड स्वैप को अपन ऑब्लिक करके लिख लो, इंटरेस्ट रेट स्वैप, थ्योरी में है ना, उसी में है ना, ईयर वाले क्वेश्चन में। हाँ तो उसमें लिख लो बॉन्ड स्वैप के, लिख लो इंटरेस्ट रेट स्वैप, ये करा दूंगा मैं थ्योरी में करा दूंगा। इंटरेस्ट रेट स्वैप का मतलब होता है कि अगर आपको ज्यादा ब्याज पे पैसा ले रखा है और फ्लोटिंग रेट पे ले रखा है तो फिक्स बनाना पड़ता है, फिक्स ले रखा है तो फ्लोटिंग बनाना पड़ता है, करवा दूंगा मैं, करा दूंगा थ्योरी वाला टॉपिक। हाँ भाई हो गया क्या ये, अब फटाफट दो मिनट लूंगा, इलस्ट्रेशन 10 निकालो, इलस्ट्रेशन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है भैया, इलस्ट्रेशन 10 निकालो या यहां से निकालो, इलस्ट्रेशन 4 निकालो, एक ही बात है, चलो 10 ही निकाल लेते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 10 और इस बुक के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 4 दोनों सेम है, तो 10 नंबर निकाल लो चाहे 4 नंबर का क्वेश्चन निकाल लो, दोनों क्वेश्चन ही सेम है। करो फटाफट इलस्ट्रेशन 10 निकालो, लास्ट क्वेश्चन है भाई, और मेरी तरफ से ये चैप्टर हो गया। अब टोटल 10 क्वेश्चन है इसमें, आपका जो बुक है ना, इस बुक के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन है 10, ये 10 के 10 क्वेश्चन कर लेना आप लोग, और जैसे ये 10 क्वेश्चंस हो गए तो समझ लेना चैप्टर खत्म है, कहीं नहीं अटको गया, और होमवर्क पे कर लेना 10 के 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन मिल गया, पढ़ो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहते हैं, एम कंपनी इज कंटेम्पलिंग अ डिबेंचर टू बी इशूड इन द फॉलोइंग टर्म्स, दिखाई दे रहे हैं। अब बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो क्वेश्चन क्या बोलते हैं आपको, देखो ध्यान से, फेस वैल्यू बड़ी इज्जत से आपको फेस वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है बोलो 100 रुपए। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी आपको क्या दे रखा है बोलो 7 इयर्स, तो मैच्योरिटी मतलब एन हो गया, 7 साल दे रखा है आपको, बट इसने गड़बड़ कर दी इस क्वेश्चन में, अदरवाइज तो मैं होमवर्क ही दे चुका होता। क्या बोला, कूपन रेट, ये कह रहा है ब्याज देंगे हम 7 साल तक ब्याज देंगे, बट पहले 2 साल कितना देंगे बोलो, तो भैया क्या मैं सी निकाल लूं, तो यहां पर मैंने ईयर लिखा फर्स्ट और सेकंड ईयर में, सी क्या होगा बोलो, फेस वैल्यू क्या बताओ, फेस वैल्यू क्या आपकी 100 रुपए, 100 रुपए का 8% करना, फेस वैल्यू आपका 100 रुपए है तो 100 रुपए का 8% करो कितना आता है बोलो 8 रुपए, तो कंपनी आपको ब्याज देगी 100 रुपए जो वैल्यू है उसका 8% मतलब 8 रुपए, फर्स्ट 2 ईयर्स 8-8 रुपए ब्याज मिलेगा, थर्ड और फोर्थ ईयर कितना मिलेगा बोलो 12-12% ब्याज मिलेगा, और फिर उसके बाद में फिफ्थ और सेवन तक कितना मिलेगा बोलो 15% मिलेगा, तो 100 रुपए का 15% कितना होगा बोलो 15 रुपए। ये सब किस में चल रहा है भैया, पिक्चर रुपीज में चल रही है, तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ ये हो गई कि इन्होंने सी है ना, सी अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे ब्याज हर साल सेम होता था, इन्होंने गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं। आगे क्या लिखा है, द करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉर द सिमिलर बॉन्ड इज 15%, द कंपनीज प्राइस फॉर इशू यील्ड, रिटर्न दे रखा है भैया 16%, लिख लो रिटर्न दे रखा है 16%। क्वेश्चन कह रहा है कि आगे जो बॉन्ड अगर ये चलेगा ना तो भी ब्याज 15% होगा, तो आगे से मेरे को क्या मतलब, 7 साल से मतलब 7 साल बाद तो बॉन्ड ही मैच्योर हो जाएगा मेरा। आर कितना दे रखा है बोलो 16% दे रखा है आपको, डिटरमाइन द इशू प्राइस, इशू प्राइस मतलब भैया क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, पी निकालना, बढ़िया हिंट दे रखा है, एज्यूम द डिबेंचर्स रिडीम एट 5% प्रीमियम। अब मैंने 1000 बार आपको समझाया था जो फेस वैल्यू होती है वही मैच्योरिटी वैल्यू होती, बात हुई थी नहीं हुई थी, बट यहां क्वेश्चन बोल रहा है 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है,
तो 100 रुपए नहीं दूंगा वापस, 5% एक्स्ट्रा। तो यहाँ मैच्योरिटी वैल्यू पता है क्या होगी, 105। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन है मैच्योरिटी वैल्यू के लिए, तो मैच्योरिटी वैल्यू अगर ये बोलता 5% डिस्काउंट पे, तो 95 होती मैच्योरिटी वैल्यू। समझ में आ रहा है, फेस वैल्यू का 5% बढ़ाया, 5 रुपए बढ़ गया, 100 रुपए का हो गया। अब डेटा मिल गया आपको, शुरू करते हैं भैया। फॉर्मूला सबको आता है, राइट द फॉर्मूला पी इक्वल टू सी इंटू पी वी आई एफ ए ब्रैकेट में आर कॉमा एन प्लस एम इंटू पी वी आई एफ आर कॉमा एन। भूल गए क्या, अभी तो किया ही क्वेश्चन, प्राइस ऑफ बॉन्ड ऐसे तो निकालते हैं अपन। अब बच्चा कहता है सी, यहां नाटक है भैया सी का, यहां बहुत बड़ा नाटक है सी का, ये पोर्शन छोड़ दो, क्यों नहीं लिख सकता सी, फंस जाऊंगा मैं सी लिखूंगा तो। भाई क्या लिखूं सी, कभी तो 8 रुपए आ रहे हैं, कभी 12 आ रहे हैं, कभी 15, छोड़ो छोड़ो, इधर वाला पार्ट कर लो। अगर इधर वाला पार्ट करता हूं तो बोलो मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, बताओ 105, लिखो मैच्योरिटी वैल्यू 105 इंटू पी वी आई। हाँ बस बस 5 मिनट, अभी ऐसे पीएम चल रहे हैं ना, अभी करता हूँ 5-7 मिनट है ना, हो गया। अब सुनो आर कितना है, आर बोलो, व्हाट इज योर आर, आर कितना था भाई, 16% लिख लो, 16% कॉमा एन कितने साल है, हाउ मेनी इयर्स, कितने साल है बोलो, 7 इयर्स। बोलो यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो। अब बच्चा कहता है सर इधर वाला पार्ट कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा ये, 2 मिनट लूंगा फिर टॉपिक खत्म भैया, 2 मिनट और लूंगा। हाँ भाई निकालने, अब इधर वाला पार्ट कैसे निकलेगा, पहला कॉलम बनाओ ईयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 साल का क्वेश्चन है, लिख लिया। फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे बोलो, सी। अब बच्चा बोलो सी कहां से आएगा, अरे पहले 2 साल 8-8 रुपए था, देखो अगले थर्ड और फोर्थ ईयर में 12-12 रुपए है, और फिफ्थ ईयर से लेके 15 रुपए 15 रुपए 15 रुपए है। अब बच्चे कहते हैं अब क्या करना है, अरे प्रेजेंट वैल्यू भूल गए क्या, 16% पे अलग अलग निकालो, वहां जीटी कर देते थे, क्यों कर देते थे, क्योंकि हर साल सी सेम होता था, अभी अलग अलग निकालो। तो 16% भी निकालो, 1 डिवाइड बाय 1.16, बोलो फर्स्ट का कितना है, बोलो 0.862, सेकंड बोलो 743, नेक्स्ट बोलो 641, फिर बोलो 552, फिर बोलो 0.476, 410, 354, कुछ नहीं किया, इक्वल्स टू दबाता गया, आते गए अंदर वो बेसमेंट में। अब निकाल लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी, सबको इनटू करो, बोलो फर्स्ट का बोलो 6.896, 5.944, 7.692, 6.624, 7.14, 6.15, 5.31। अब जो वैल्यू आई ना, इनका सबका टोटल कर लो, टोटल बोलो 45.756। तो भैया 45.756 जो चीज अपन को करनी थी ना, अलग अलग करके यहां लग दिया है। अपन वहां एक साथ करते थे सी इंटू पी वी आई एफ ए, हो सकता है, कब हो सकता है, जब सी हर साल सेम, और अगर अलग अलग होगा तो टेबल बने। आ गया ना आप तो समझ में, लॉजिक समझ में आ गया ना, करके आ रहा हूं मैं। अब यहां से ये वाला पार्ट, अब बच्चा कहता है सर ये क्या आता है ये बताओ, अरे 1 डिवाइड बाय 1.16 7 बार दबाएंगे, 7वें साल की वैल्यू आती है, ये रही वो वैल्यू, देखो ये रही, ध्यान से देखो ये रही वैल्यू, 7वें साल की वैल्यू आपके पास, तो 105 into 0.354 और 45.756 प्लस कर लो, करो सॉल्व करो कितना आता है, तो 45.756 प्लस ये करना 105 को 34 कितना 37.15, करो सॉल्व करो 82.93, ये आ गया आंसर। हाँ भाई बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या, अब मेरी बात ध्यान से सुनो भैया, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने ये चैप्टर को ऐसा नहीं है कि बच्चे कहते हैं सर क्रैश कोर्स पे ये छोड़ दिया और वो छोड़ दिया, कुछ नहीं छोड़ूंगा, पूरा सिलेबस कराऊंगा। इधर देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैंने कराया, 2 मैंने करवाया, 3 होमवर्क पे डालो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चा कहता है सर ये कैसे करना है, अरे फोर्थ क्वेश्चन और टेंथ क्वेश्चन सेम था, करा दिया मैंने,
फोर्थ क्वेश्चन और टेंथ क्वेश्चन सेम था, करा दिया। थ्री को हल्का सा देख लो, थ्री में क्या है बच्चा थोड़ा सा अटक सकता है, थ्री होमवर्क पे ही करना है, बट हल्का सा देख लो। हाँ देखना देखना, ध्यान से देखना, फेस वैल्यू दे रखी है भैया, तो ये तो फेस वैल्यू हो गई, मैच्योरिटी वैल्यू भी हो गई क्या ये? आगे पढ़ो, कूपन रेट दे रखा है, तो हजार रुपए का 16% 160 रुपए हो गया। टाइम दे रखा है एन, ये रहा टेन, रिडम्पशन वैल्यू मैच्योरिटी वैल्यू 1000 रुपए दे रखी है, ऊपर भी लिखा था फेस वैल्यू 1000 रुपए। यील्ड, यील्ड दे रखा है आपको 18%। कैलकुलेट द करंट मार्केट प्राइस, अरे करंट मार्केट प्राइस का मतलब क्या निकालना है बोलो, पी। सारा डेटा गिवन है, आराम से पी निकल जाएगा, तो होमवर्क में गया, पर इसमें आगे क्या लिखा है पढ़ो। कैलकुलेट द मार्केट प्राइस इफ द यील्ड इंक्रीज बाय 80 बेसिस पॉइंट। अगर कहीं पे 100 बेसिस पॉइंट निकाला है इसका तो 1% होता है, अगर 200 बेसिस पॉइंट लिखा हुआ है तो 2% होता है, और अगर 80 बेसिस पॉइंट लिखा हुआ है ना तो 0.8% होता है, ध्यान रखना ये बात। तो ये कह रहा है यील्ड को बढ़ा दो, यील्ड को बढ़ा दो मतलब किसको बढ़ा दो, आर को, और कितना बढ़ा दो, 0.8 बढ़ा दो। तो पहले था आपका कितना, 18 था ना, प्लस 0.8 और कर दो, 18.8 कर दो, मतलब क्वेश्चन को कितनी बार सॉल्व करना है, दो बार, एक बार तो आर को लेना 18%, ये आंसर आ जाएगा, फिर दूसरी बारी में जो आर लेंगे ना, आर वो लेंगे 10904, और फिर दोबारा सॉल्व करना है, मतलब आर को पहले सॉल्व करना है 18% लेके, फिर आर को सॉल्व करना है क्या लेके आपको, 18.8% लेके, और दो बार क्वेश्चन करना है। अब बोलो कोई डाउट है क्या, हो जाएगा ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है भैया, देखो सीधी सी बात है, सारे करा दिए मैंने, थर्ड करना है, फोर्थ नहीं करना है, फोर्थ मैंने करा दिया, फिफ्थ करना है आपको, सिक्स्थ करवा दिया मैंने, सेवंथ एट्थ करना है आपको, नाइन्थ करना है जो मैंने आधे से ज्यादा बता दिया था, टेंथ मैंने करवा दिया। करीब करीब सारे क्वेश्चन हो गए, कुछ नहीं बचा, तो पूरा चैप्टर कर लेना, इसमें से क्वेश्चन बनता है, और 2018 में आया था, 19 में नहीं आया, ठीक है, 20 का पेपर हुआ नहीं, 21 में आएगा। हाँ 19 में आया है, 19 का पेपर, कूपन रेट निकालने के लिए बोला है उन्होंने। अच्छा 2019 में कूपन रेट बोला है क्या निकालने के लिए? निकाल है। चलो 2019 वाला कल देख लेंगे अपन क्वेश्चन, और IFM स्टार्ट करते हैं, बस 2 मिनट में करते हैं।